देखिए आपने देखा कि जब जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं हमेशा देश को अपमानित करने वाले उनके बयान, जिससे देश को प्रत्येक नागरिक को तकलीफ होती है। और इस बार तो हद तब पार कर दी जब धर्म से धर्म को, जाति से जाति को और आरक्षण खत्म करने की बात राहुल गांधी ने कही। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सदैव चुनाव के समय आरक्षण की पक्षधर बनती है और सदैव आरक्षण की बात करती है, लेकिन जैसे ही चुनाव निकल जाते हैं इनका असली चेहरा सामने आता है और ये आरक्षण को खत्म करने की बात करने लगते हैं। जब जब भी राहुल गांधी विदेश जाकर स्टेटमेंट देते हैं तो हमेशा देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े नजर आते हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता देश की आलोचना करने में नंबर वन है। मुझे लगता है कि इस पार्टी के नेता को टीआरपी मिलने के, इनको टीआरपी मिले इसलिए कुछ भी करने गुजरने के लिए तैयार है। विदेश के अखबार में छपने के लिए देश की आलोचना करने में भी ये लोग संकोच नहीं करते। इसलिए एससी एसटी और आरक्षित वर्ग के लोगों ने आज राहुल गांधी का पुतला फूंककर, पूरे प्रदेश में जिला हेडक्वार्टर पर पुतला फूंककर विरोध प्रकट किया है और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का चेहरा जो सामने आया है उसको, उसके बदले में जनता जवाब देगी। आरक्षित वर्ग के लोग आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के नेता का इसी तरह मुंह काला करेंगे जैसा आज हमने पुतला जला कर किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं, अभी राहुल गांधी विदेश की यात्रा पे, और जब जब भी राहुल गांधी विदेश यात्रा पे जाते हैं तो वो इस देश के खिलाफ कोई ना कोई वक्तव्य देते हैं। वो सरकार के खिलाफ वक्तव्य देने का काम हो या सनातन संस्कृति के खिलाफ वक्तव्य देने का काम हो, अभी उन्होंने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों का कि हमारी सरकार आएगी तो हम आरक्षण के बारे में पुनर्विचार करेंगे, सोचेंगे। मैं राहुल गांधी के इस बयान की आलोचना करता हूं। आरक्षण यहाँ के दलितों को, वंचितों को, स्वर्ण जो हमारे ओबीसी वर्ग के भाई हैं, आदिवासी हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए अंबेडकर जी के द्वारा दिया गया था। कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो चुका, राहुल गांधी की सोच लोगों के सामने आ चुकी है और ये जनजाति का समाज राहुल गांधी को माफ नहीं करेगा।